नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए चैनल में। भैया, आप सभी को एक अच्छी जानकारी देने वाला हूं। जो हमारे किसान भाई हैं, जो बड़े बड़े पसंद करते कि भैया हमें थ्रेशर का ही भूसा चाहिए, हमारे मवेशियों को फ्रेश भूसा जो है कि चाहिए है, वो स्ट्रॉ रीपर वगैरह पर उतना भरोसा भी नहीं करते हैं, तो भैया उनके लिए एक अच्छी जानकारी और अच्छा एक इम्प्लीमेंट लेके आया हूँ। भैया ये है हमारे सामने आज BCS के दो बेहतरीन इम्प्लीमेंट्स। ये भैया सेल्फ प्रोपेल्ड वाला रीपर माइंडर, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये किसान भाई स्वचलित खुद अपने हाथ से चलाने वाला रीपर माइंडर है। तो भैया इनकी अगर मेन मेन इंफॉर्मेशन की अगर मैं बात कर लूं, तो भैया इस रीपर की जो कीमत आती है 5,25,000 रुपए इसकी नगद कीमत आती है। और अगर हम इस स्वचलित वाले की अगर कीमत की बात कर लें, तो भैया यहाँ पे इसकी कीमत देखने को मिलेगी लगभग लगभग 1,40,000 से 1.5 लाख रुपए के अराउंड अराउंड। और इनमें अगर हम मेन मुद्दे की बात करें, तो भैया फिलहाल में इनमें सब्सिडी वगैरह आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, पर अगर आप भविष्य में लोगे तो हो सकता है कि सब्सिडी आपको मिल जाए। और अगर हम बात करें भैया मेन पॉइंट की, तो यहाँ पे इस रीपर में आपको ब्लेड वगैरह जो है कि BCS के ही मिलने वाले हैं, और फिंगर भी आपको BCS की ही मिलेगी। और यहाँ पे अगर हम नॉटिंग सिस्टम की बात करें, सबसे जो मेन मुद्दा रहता है रीपर बाइंडर का, बाइंडिंग का मकाम ही होता है भैया ये, कि यहाँ पे देखो आप जितना भी पार्ट इसमें लगे हुए हैं वो भैया काम क्या करते हैं कि ये जो रीपर बाइंडर है ये पूरा बाइंडिंग सिस्टम इटली से बन के आता है, मतलब इंडिया में नहीं बनता, ये इटली से बन के आते हैं जितने भी पार्ट हैं इसके, है ना। तो कहीं ना कहीं भैया क्वालिटी के मामले में BCS ने बहुत ज्यादा ध्यान रखा हुआ है। आफ्टर सेल सर्विस वगैरह का भी बहुत अच्छा हमने देखा है, कुछ किसानों से मिलकर बात की, भैया आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत शानदार है। इसका डीजल एवरेज भी बताऊंगा आपको, उससे पहले भी ये इंजन के बारे में बात करें तो आपको 10 HP का आपको इसका इंजन मिलता है। और अगर इंजन के कंपनी की बात करें तो आपको इसका इंजन मिलेगा कॉटन ग्रीव्स का, 10 HP का इंजन मिलने वाला है, और सिंगल सिलेंडर इंजन है, और ये चलता भी है डीजल से, पेट्रोल से चलता नहीं है, डीजल से चलता है। और इसके डीजल खपत की अगर मैं बात कर लूं तो लगभग लगभग ये 1 घंटे में आपके 1 से 1.5 एकड़ की जो अराउंड अराउंड की जमीन जो है कि आपकी फसल काट के रख देगा, और ये डीजल लेगा मात्र 1 लीटर, सिर्फ 1 लीटर डीजल लेगा, और आपके 1 से 1.5 एकड़ की फसल को जो है कि काट के बांध के और साइड में रख देगा। उसके बाद कुछ किसान कहते हैं भैया ये ज्यादा महंगा पड़ रहा है, हमको थोड़ा सस्ता वाला वेरियंट चाहिए है। तो भैया उसके लिए यहाँ पे आप देखो ये सिर्फ रीपर है। कुछ कंपनियां क्या करती हैं भैया, नाम रख देती हैं रीपर माइंडर, लेकिन एक्चुअल में होता है वो रीपर। तो यहाँ पर एक रीपर का मतलब होता है भैया कि सिर्फ उसको काट के और साइड में लगा देना, वो काम होता है, वो उसको बोलते हैं रीपर। ये देखो यहाँ पे स्टार वगैरह जो कि आपको यहाँ पे BCS कंपनी प्लास्टिक के लगा के देती है। और यहाँ पे अगर पट्टे की बात कर लूं, तो भैया डबल पट्टा सिस्टम आपको यहाँ पे दिया जाता है, जिससे आपकी फसल जो है कि साइड में गिरने वाली है। और चार जो ब्लेड वगैरह हैं वो डबल ब्लेड लगा के दिए गए हैं, ताकि फसल की जो कटाई है वो बेहतरीन हो सके। और यहाँ पे अगर हम बात कर ले इंजन वगैरह की, तो आपको यहाँ पे गैसोलीन का इंजन मिलता है, 212 cc यहाँ पे आपको एम्बलम में मेंशन करके दिया गया है। तो ये डायरेक्ट रस्सी वाला स्टार्ट है, मतलब कि आपको सीधा खींचना पड़ेगा उससे ही स्टार्ट होता है, सेल्फ वाला स्टार्ट नहीं है, उसमें आपको सेल्फ मिल जाएगा, है ना। मेन में जो है बड़ा वेरिएंट है उसमें आपको सेल्फ वाला स्टार्ट जो है कि मोटर मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे ऑपरेशनल एरिया की मैं बात कर लूँ, तो ऑपरेशनल एरिया में जब भी किसान चलाएगा तो भैया उसको कुछ इस तरीके से चलाना पड़ेगा, और किसान अपने हिसाब से जितना उसको छोटी फसल काटनी हो उतने नीचे हिसाब से अपने हिसाब से देख देख के वो काट सकता है। अब बात करें भैया इसके गियरों वगैरह की, तो यहाँ पे जो ये पॉइंट दिया गया है, ये दिया गया है रेस का, आप इसको जितना ज्यादा ऊपर करोगे उसकी रेस उतना ज्यादा बढ़ेगी, और जितना ज्यादा इस तरफ करोगे उसकी रेस उतनी कम होती जाएगी। उसके बाद यहाँ पे गियर वगैरह की बात कर लूं, तो आपको 2 फॉरवर्ड गियर मिलते हैं, जिसमें फर्स्ट गियर कुछ इस तरह से लगता है और सेकेंड गियर यहाँ पे लग जाता है। उसके बाद अगर रीपर को रिवर्स में ले जाना है तो यहाँ पे आपका रिवर्स गियर लग जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको रोड वगैरह पे ले जाना है तो आप इन गियर्स को यूज करके आप इसको रोड पे भी चला सकते हो। और इसकी एक अच्छी बात लगी, अगर थोड़ा बहुत गीला भी है ना खेत, तो भैया ये हाई लेग टायर मिलते हैं इसमें, टायर बहुत शानदार दिए हुए हैं। आप देखो कितने शानदार, मतलब जो पडलिंग वगैरह के लिए स्पेशल टायर आता है ना, वो यही टायर आता है। तो अगर थोड़ा बहुत गीला भी है तो आसानी से आपकी जो है कि मिल जाती है। यहाँ पे आपको टूल बॉक्स वगैरह जो है कि प्रॉपर कंप्लीट आपको देखने को मिलता है। और भैया अगर आपको
ये रीपर वाइंडर वगैरह लेने हैं तो भैया ये नंबरों पर संपर्क कर लेना, आपको अगर लेना है तो ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। और अगर आप थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह देख के यहाँ पे आप आओगे तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट वगैरह जो है कि देखने को मिल सकता है। भैया आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो और जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को प्यारा सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।